हेलो फैमिली, आप सभी का स्वागत है द फूड स्टोरेज में। आज बनाएंगे हम मसाला नमकीन। मसाला नमकीन बनाने के लिए मैंने लिया है मैदा 250 ग्राम, तेल आधा कप, स्वाद के अनुसार नमक आधा चम्मच, अजवाइन। तो चलिए बनाते हैं मसाला नमकीन। मैंने एक बर्तन में 250 ग्राम मैदा लिया है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे, आधा कप तेल डालेंगे मोयन के लिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप मोयन के लिए घी, डालडा, तेल कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे तेल का उपयोग किया है। तेल और मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पानी डालकर इसे गूंथेंगे। पानी का उपयोग कम करेंगे जिससे मैदा टाइट रहे। मैदा अच्छी तरह से गूंथ चुका है। अब इसे 20 मिनट ढककर छोड़ देते हैं। 20 मिनट हो चुका है, मैदा भी यहाँ पे मुलायम हो गया है और इसे थोड़ा सा मिला लेते हैं। अब इसकी दो लोई बना लेते हैं। अब लोई की पतली पतली रोटी बनाएंगे जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसकी पतली रोटी बना ली है। अब चाकू की मदद से इसे काट लेंगे जैसा आपको पसंद हो। मैंने इसे छोटा छोटा काटा है। यह अच्छी तरह से कट चुका है। अब चाकू की मदद से इसे एक बर्तन में उठा लेते हैं। इसी प्रकार मैंने दूसरी लोई को बेल कर काट लिया है। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पर रखा है। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें नमकीन डालेंगे। नमकीन एक दूसरे से चिपका हुआ लग रहा है पर वह फ्राई होते ही अलग हो जाएगा। आप देख सकते हैं सभी नमकीन अलग होने लगे हैं। अब इसे बीच बीच पर पलटाते हुए गोल्डन ब्राउन होते तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ देर फ्राई होने के बाद इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। निकालने के बाद 5 मिनट रुक कर इसमें मसाला डालेंगे। स्वाद के अनुसार काला नमक डालेंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारा मसाला नमकीन चाय के साथ सर्व करने के लिए रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।